इंदिरा गांधी लास्ट टाइम मतलब जो पहना था उनने, जो साड़ी और जो बैग और जो स्लीपर पहना था। और ये वही जगह है जहाँ पे आखिरी बार इंदिरा गांधी चल के गई थी, ये वही जगह है देख सकते हो आप। और ये अभी क्रिस्टलों से ढक दिया गया है और जहाँ पे उनकी हत्या कर दी गई थी वो वहाँ पे है। तो अभी आप हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी हम आए हुए हैं इंदिरा गांधी मेमोरियल, ये मतलब इंदिरा गांधी का पहले घर था, अभी से म्यूजियम बना दिया गया है और ये वही जगह है जहाँ पे इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। तो अभी इन्फॉर्मेशन देंगे, अभी अंदर चलते हैं और एक एक डिटेल देते हैं। चलिए तो गाइस फाइनली हम अंदर आ चुके हैं, आप देख सकते हो। और इस म्यूजियम का कोई टिकट नहीं है और इस घर में इंदिरा गांधी 15 साल रही थी। मतलब जब इंदिरा गांधी मतलब जवाहरलाल नेहरू का जब डेथ हो गई थी, जब वो मर गए थे, उसके बाद इस घर में आई थी इंदिरा गांधी और इस घर में 15 साल रही थी। आपको अंदर चलते और इन्फॉर्मेशन देते हैं सब। तो अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं, आप देख सकते हो। तो अब घुसने वाले अंदर और चलते फिर देखते क्या क्या है यहाँ पे। चलिए सो गाइस फाइनली हम म्यूजियम के अंदर घुस चुके हैं, आप देख सकते हो। ये देख सकते हो आप, काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, संडे है। तो इधर आप लोगों को अखबार दिख जाएंगे, पुराने ज़माने की बहुत सारी अखबारें दिख जाएंगी। अभी आगे आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या है। तो अभी आप देख सकते हो, तो गाइस ये देख सकते हो बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे। इंदिरा गांधी की फ़ोटो दिख जाएगी आप लोगों को, ये देखो ये सब दिख जाएगा आप लोगों को। तो अभी अंदर अभी चल रहे हैं और ये घुसते के साथ ही आप देख सकते हो यहाँ पे, ये आप पोस्ट करके पढ़ लेना। और ये देखो अलग 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 न्यूज़पेपर आपको दिख जाएगा पहले का। तो अभी आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये देखो कितने सारे न्यूज़पेपर और इंदिरा गांधी की फ़ोटो आपको दिख जाएगी, ये देख सकते हो आप इस जगह पे। तो फाइनली आज ज़्यादा ही क्राउड है, संडे है। और ये देखो अलग अलग न्यूज़पेपर दिख रहा होगा आप लोगों को, ये पूरा और इस रूम को न्यूज़पेपर से ही कवर कर रखा है, पूरा फ्रेम लगा रखा है न्यूज़पेपर का ही। तो अभी आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। तो गाइस अभी आप देख सकते हो इंदिरा गांधी की अस्थियां फ्रेम में रखी गई है फ़ोटो क्लिक करके। और अभी अभी चलते इधर की साइड, आप देख सकते हो जब इंदिरा गांधी लास्ट टाइम पहनी थी वो साड़ी और वो जो स्लीपर पहनी थी और वो जो बैग लेके चली थी उस टाइम का है ये। तो अभी चलते आगे और दिखाते हैं आप लोगों को। तो अभी चलिए आगे चल रहे हैं, आप देख सकते हो आगे की तरफ ये कुछ ये वो पत्थर हैं जो इंदिरा गांधी अलग अलग देशों से मंगवाई थी। अभी आगे चलते हैं और आप एक बार देखो, ये देखो कितना अच्छे से डेकोरेट किया गया है फ्रेमों को। सो गाइस देख सकते हो आप, ये इंदिरा गांधी के चारों घर थे, दो इलाहाबाद के थे और दो अपने दिल्ली के थे। अभी हम ये फोर्थ वाले पे हैं सफदरजंग रोड पे। तो अभी आगे चलते और आप ये देख सकते हो, ये वो चीज़ें हैं जो इंदिरा गांधी यूज़ करती थी। ये जो घड़ी और ये जो आपको चश्मे और ये जो पेन वैन दिख रहे हैं पर्सनल वो यूज़ करती थी, आप देख सकते हो। तभी आगे चलते और दिखाते और क्या क्या है यहाँ पे। तो गाइज अभी हम वहाँ पहुँचने वाले हैं जहाँ पे इंदिरा गांधी ने जिस साड़ी को पहन के मतलब उस टाइम शादी हुई थी, ये वाली साड़ी पहनी थी इंदिरा गांधी ने, आप देख सकते हो इस साड़ी को। और ये वो बर्तन हैं जिसमें इंदिरा गांधी खाना खाती थी, आप देख सकते हो एक बार देखो, ये वही बर्तन हैं जिसमें इंदिरा गांधी खाना खाती थी। और ये वो साड़ी है जिसको पहन के इंदिरा गांधी की शादी हुई थी। तो अभी आगे चलते हैं और आपको साथ ही साथ और डिटेल देते हैं। तो गाइज आप देख सकते हो वहाँ से हम बाहर निकल चुके हैं और अब पहुँचने वाले हैं इंदिरा गांधी के ड्रेसिंग रूम पे। तो अभी आप देख सकते हो मैं पहुँच चुका हूँ ड्रेसिंग रूम, ये देखो ड्रेसिंग रूम इंदिरा गांधी का, ये वही ड्रेसिंग रूम है आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छे से मतलब अभी भी सजा के रखा हुआ है डेकोरेट करके। तो अभी हम ड्रेसिंग रूम दिखा रहे हैं और अभी स्टडी रूम दिखाएंगे आप लोगों को। तो अभी आगे चलते हैं, आप एक बार देख लो। तो आगे चलते हैं और आपको अभी स्टडी रूम दिखाते हैं। तो गाइज ये वही है स्टडी रूम जहाँ पे इंदिरा गांधी रेस्ट करती थी और थक जाती थी तो यहाँ बैठ के आराम से मतलब बुक पढ़ती थी, आप देख सकते हो कितना अच्छे से अभी रखा हुआ है। ये देख सकते हो आप कितना मतलब क्लियर और कितना साफ सफाई है, कितना अच्छे से मेंटेन करके रखा गया है इंदिरा गांधी का स्टडी रूम। एक बार आप देखो, ये कितने पुराने ज़माने का टीवी अभी भी है, ये देखिए आप इतने सारे बुकें दिख रही होंगी आप लोगों को। और ये उनका स्टडी रूम था, आप देख सकते हो
ये देखो। और यहाँ पे कभी कभी मतलब फैमिली के साथ टाइम स्पेंड भी करते थे वहाँ पे बैठ के वो लोग। तो अभी आगे चलते और देखते क्या क्या है यहाँ पे। तो चलिए चल रहे हैं आगे। अभी हम पहुंच चुके हैं राजीव कक्ष। ये जो इंदिरा गांधी के बेटे थे वो भी यहाँ पे 16 साल रहे थे। तो अभी ये पूरा मतलब उन्हीं के बारे में आप देख लो। ये सब उन्हीं के सामान है, ये देखो आप। तो अभी आपको दिखाता हूँ, इस साइड देख सकते हो आप। ये देखिए जो इंदिरा गांधी के बेटे थे राजीव गांधी, आप देखो उनके बारे में यहाँ पे सब चीज़ इंफॉर्मेशन यहाँ पे मतलब दी गई है। और उनके जो बचपन की फ़ोटो दिख जाएगी आप लोगों को, ये देख सकते हो आप। तो और आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ बेसिकली है क्या क्या अभी। तो चलिए आगे चल रहे हैं। और सो गाइस अभी आप देख सकते हो ये राजीव गांधी का ड्रेस है जो वो पहनते थे, और ये जो स्लीपर है जो पहनते थे, और ये जो कंप्यूटर है जो उस टाइम यूज़ करते थे। अभी आगे चलते हैं और देखते हैं इनके बारे में और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो अभी आगे चल के और दिखाते हैं आप लोगों को। तो एक बार आप इस ड्रेस को देख सकते हो। तो दोस्तों अभी मैं उस सेक्शन में पहुंच चुका हूं जिस सेक्शन में मतलब उनका राजीव गांधी का ड्रेस रखा हुआ है। वो ड्रेस रखा हुआ है जिस टाइम उनने वो ड्रेस पहना था उस टाइम उनकी हत्या कर दी गई थी। उस टाइम का ये आप ड्रेस देख सकते हो। उस टाइम उन पे गोलाबारी का मतलब हमला हुआ था, और ड्रेस का देख सकते हो आप चित्रे चित्रे उड़ गए थे। और ये उनके शूज़ और ये जुराब देख सकते हो आप। तो अभी बेसिकली आप देखो एक बार ड्रेस की हालत, तो सोचो कैसा मतलब हुआ होगा। तो अभी आगे चलते और आपको डिटेल देते और क्या क्या है यहाँ पे। तो एक बार ये देख लो आप। तो अभी हम इधर से बाहर निकल चुके हैं राजीव गांधी के उससे, अब आगे पहुंचने वाले हैं और आगे देखते हैं और क्या क्या है। तो बेसिकली अभी देख सकते हो आप बाहर आ चुके हैं और आगे देखते हैं और क्या क्या है अभी। तो चलिए चल रहे हैं। तो गाइज अभी हम उस सेक्शन में पहुंच चुके हैं जहाँ पे इंदिरा गांधी का बेडरूम और पूजा घर है। तो आप अभी देख सकते हो ये देखो बेडरूम इंदिरा गांधी का, ये वही बेडरूम है जहाँ पे वो आके मतलब रेस्ट करती थी। और अभी यहाँ पे भी बुकें रखी हुई हैं, देखो आपको दिखाता हूँ पास से, ये देख सकते हो आप। तो ये वही बेडरूम है इंदिरा गांधी का, एक बार आप देख लो। साथ ही साथ उनका पूजा घर भी है, ये उनका पूजा घर है। और आप लोगों को पास से दिखाता हूँ, ये देखिए ये इंदिरा गांधी का पूजा घर है जहाँ पे वो पूजा करती थी। अभी भी देख लो, अभी भी मतलब पूजा मतलब कर रखी है। अभी भी आप देख सकते हो तो बत्ती जल रही है। और ये वही है पूजा घर जहाँ पे वो पूजा करती थी, आप देख सकते हो। और आगे चलते और देखते क्या क्या है यहाँ पे। सो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं ड्राइंग रूम में, आप देख सकते हो बेसिकली ये इंदिरा गांधी का ड्राइंग रूम है। आपको एक बार दिखाता हूँ मैं, ये वही ड्राइंग रूम है जहाँ पे मतलब बाहर से जो मेहमान आते थे यहाँ पे बैठते थे। आप देखो एक बार कितना अच्छे से अभी भी मतलब मेंटेन करके रखा गया है। तो गाइज अब हम ड्राइंग रूम से निकल रहे हैं और अब आने वाला है उनका डाइनिंग रूम जहाँ पे वो लोग घर बैठ के खाना वाना खाते थे। तो अभी हम उधर ही जा रहे हैं, देख सकते हो आप। तो अभी पहुँचने वाले हैं हम। तो गाइज ये आ गया आपका भोजन कक्ष डाइनिंग रूम। तो आप देख सकते हो ये वही डाइनिंग रूम है जहाँ पे इंदिरा गांधी और उनकी फैमिली बैठ के खाना वाना खाती थी। और एक बार आपको और दिखाता हूँ आगे से, ये देखो अब देखो एक बार डाइनिंग रूम को। तो गाइज अभी हम बाहर निकल चुके हैं आप देख सकते हो, और अभी हम जाने वाले हैं एक बार आप पढ़ लो बलिदान स्थल की ओर। इस रास्ते से इंदिरा गांधी पैदल जाती थी, और अभी वो जगह दिखाने वाले हैं जहाँ पे इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। तो अभी चलते हैं उस जगह पे और आपको दिखाते हैं। सो गाइज अभी हम उस पॉइंट पे हैं, आप ये पढ़ो, पोज करके पढ़ लेना। ये वही पॉइंट है जहाँ पे इंदिरा गांधी आखिरी बार चली थी। अभी देख सकते हो यहाँ एंट्री क्लोज है, यहाँ साफ़ सफाई के अलावा कोई नहीं जा सकता है। और ये वही जगह है जहाँ पे आखिरी बार इंदिरा गांधी चल के गई थी, ये वही जगह है देख सकते हो आप।
और ये अभी क्रिस्टलों से ढक दिया गया है, और जहाँ पे उनकी हत्या कर दी गई थी वो वहाँ पे है। तो अभी आपको उधर से जाके दिखाते हैं, और एंडी अब तो अभी चलते उधर और दिखाते हैं आप लोगों को। सो गाइस, बाहर निकलते ही अभी आपको वो दिखेगा। बहुत लोगों को लगता है कि वहीं पे हत्या हो गई थी उनकी, बट ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे हुई थी। अभी दिखाता हूँ आप लोगों को, तो अभी दिखाऊंगा आप लोगों को। तो गाइस अभी आप पढ़ सकते हो, ये वही जगह है जहाँ पे उनकी हत्या कर दी गई थी। ये देखो, ये वही जगह है, यहाँ पे हत्या कर दी गई थी। वहाँ पे जो आपको ब्लैक पत्थर दिख रहा है, मतलब वो जो शीशा लगा रखा है ब्लैक कलर का, वहाँ पे उनकी हत्या हुई थी। और बेसिकली लोग समझते हैं उनकी हत्या उधर हो गई थी, बट यहाँ पे हुई थी। और ये देख सकते हो, आप पोस्ट करके पढ़ सकते हो। बाकी वीडियो यहीं ख़त्म हो चुकी है। सो गाइज, बेसिकली हम बाहर निकल चुके हैं और काफ़ी इमोशनल हो गए थे हम जब अंदर थे, तो अभी हम बाहर हैं। और सब इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया हमने वीडियो में। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो अच्छे से फैला देना, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दोनों भाई का चैनल। आप लोगों को पता ही है नाम, ऑफिशियल सोनू ब्लॉग, बीर चौहान ब्लॉग। तो बाकी सब इन्फॉर्मेशन आपको न्यू हमारे चैनल पे मिलती रहती है, और न्यू वीडियो आती रहती है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, सी यू, और वीडियो को फैला देना।